how to use clipping mask, okay, to use the text to mix with the background layer. जैसे कि अभी हमारे पास कोई भी टेक्स्ट है, जैसे कि आपका नाम होगा या कुछ दूसरा होगा, जैसे कि आपका नाम होगा एग्जांपल कोई वर्ड, जैसे कि वर्ड ही ले लेते हैं, वर्ड होगा उसमें आप आपका जो भी इमेज है उसमें आना चाहते हैं, उसमें फिल करना चाहते हैं, वो कैसे करना है अभी दिखाता हूँ. बी कंट्रोल एन ले लेते हैं, न्यू डॉक्यूमेंट 12,000 कंट्रोल शिफ्ट एन न्यू लेयर ले लेते हैं, कंट्रोल ओ में क्या लेंगे, ये वाला इमेज हमें उसमें आना चाहते हैं, इसमें आना चाहते हैं. जैसे कि इमेज है कंट्रोल ए, कंट्रोल सी, कंट्रोल डब्ल्यू, कंट्रोल वी. अभी ये इमेज आ गया, अभी इसे हमें एक टेक्स्ट लेयर में मर्ज करना चाहते हैं. और एक टेक्स्ट लेयर के लिए हमें कुछ लेयर नहीं लेना पड़ता है, वही ऑटोमेटिकली लेयर आ जाता है. अभी हम टेक्स्ट टाइप करते हैं, यहाँ पर कैसे दिखेगा देखते हैं. अभी इसमें मेरा नाम EIJAY और ये तो बहुत बड़ा हो गया. इसे क्या करते हैं, यहाँ से लेते हैं EIJAY, कंट्रोल टी ले लेते हैं, इसे शॉर्ट कर लेते हैं, इसे एडजस्ट करते हैं. अब ये ऐसे है ना, अभी क्या करते हैं इसे, क्या करते हैं इसे, थोड़ा सा हमारा ये जो लेयर है ऊपर ले जाते हैं. अभी ये ऊपर आ गया ना, क्या करते हैं इसे, इस पर हमें क्लिपिंग मास्क ऐड करते हैं. हो गया, ऐसे ही करना पड़ता है. देखिए ये बैकग्राउंड से मर्ज हो गया, सिंपल है ना, ऐसे ही हमें करना पड़ता है. कोई भी किसी भी एक इमेज ले लो, जैसे कि बैकग्राउंड कोई भी इमेज ले लो, उससे पहले उसे डाल दो, उसे ले लो, आपका डिजायर्ड सेटिंग में लगा लो और उसके ऊपर कोई टेक्स्ट लिख दो. टेक्स्ट लिखने के बाद अभी उसे ऊपर ले जाओ, टेक्स्ट लेयर डाउन होना चाहिए और आपका बैकग्राउंड लेयर ऊपर होना चाहिए. फिर यहाँ पर क्लिपिंग मास्क दबा दो और वही सिंपल हो गया ना, हमारा सेटिंग हो गया. क्लिपिंग मास्क से और बहुत कुछ कर सकते हैं, आने वाले वीडियो में दिखाऊंगा क्या क्या कर सकते हैं. ओके, टिल देन.